हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉर्थ बेसिक एजुकेशन। आज का वीडियो होने वाला है एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो है MSN का टॉपिक है और इसका सिर्फ मैंने यहाँ पर डेफिनेशन जो है आप पिक्चर में देख सकते हो। डेफिनेशन में है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रेक डाउन इन कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ड्यूडेनम ईसोफेगस स्टमक। पहले तो पेप्टिक अल्सर जो होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ड्यूडेनम या ईसोफेगस या स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी कंटिन्यूटी में ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वहाँ की जो म्यूकोशल लाइनिंग होती है वहाँ पे ब्रीच होना या फिर उनकी कंटिन्यूटी में ब्रेकडाउन होना क्यों होता है, क्योंकि एसिड यानी SGL की वजह से या पेप्सिन की वजह से। पेप्सिन जो होता है वो एंजाइम्स होता है, ठीक है, जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ये प्रोड्यूस होता है और SGL का भी यही काम होता है। बट यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन इतनी हाई हो जाती है जिसकी वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी लाइनिंग में अल्सर हो जाता है और उसकी कंटिन्यूटी जो है ब्रेकडाउन हो जाती है। इसकी वजह से जो है पेप्टिक अल्सर कॉज होता है, ठीक है। और स्पेशली पेप्टिक अल्सर जो होता है वो एक तो ये SGL का सेक्रेशन की जो लेवल है वो हाई तब होती है जब वेगस नर्व होता है, क्रेनियल जो नर्व होते हैं 10 होता है जिसे वेगस नर्व कहते हैं, उसके स्टिमुलेशन की वजह से SGL का ज़्यादा सेक्रेशन होता है। और इसका स्टिमुलेशन तब होता है जब हम फास्टिंग पीरियड में होते हैं, यानी एक्सेसिव जो इंसान फास्ट रहता है या 2 दिनों से भूखा है या 1 दिनों से भूखा है तो इसका सेक्रेशन ज़्यादा होने लगता है। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होता है या लंबे समय से हम कोई ड्रग ले रहे हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, एंटीप्लेटलेट ड्रग ले रहे हैं या नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे रहे हैं, या फिर एक्सेसिव इनटेक करने से आपकी कैफीन या अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हो, या फिर कोई इंसान जो है रेस्टिंग पीरियड में ज़्यादा रहता है या फास्टिंग की कंडीशन में रहता है, तो ये आपके जो पेप्टिक अल्सर है इस ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।